ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर। अंग्रेजों ने मुसलमानों को बताया कि हिंदुओं के साथ रहोगे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का चलता है, वही चुन के आएंगे, वही बनेंगे, तुम बन ही नहीं सकते, अलग मांगो। और इतना बड़ा ये हिंदुओं का तत्व जाल है, उसमें तुम्हारा इस्लाम चलेगा, गया क्या? जब से आए भारत में तब से यहां है, गया? भारत स्वतंत्र होने के बाद गया? नहीं गया। सब पदों पर मुसलमान जा सकते हैं, गए जाते हैं, यह वहां उत्पन्न कर दिया और हिंदुओं को बता दिया कि बड़ा कट्टर है, इनकी इसमें बताया है कि मारो और देखो मारो, इधर भड़का है उधर भड़का है, दोनों में झगड़ा लगा है। और उस झगड़े के चलते, उस अविश्वास और भय के कारण हम एक दूसरे को दूर रखने की बातें करते चले आ रहे हैं। उपाय कहां होगा इस पर मलम पट्टी करने से मूल से अपनी दृष्टि को बदलना होगा। हमारे आरएसएस के भाई हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग भी कहते हैं कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति, हर इंसान हिंदू है, लेकिन इसकी कोई दलील नहीं है। यह भी अटकलबाजी है, मनमानी अटकलबाजी है, जो चाह सो बोल दिया। क्या दलील है इसकी भाई कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है? लेकिन इस बात की दलील है कि एक ईश्वर की पूजा करने वाला हर हिंदू मुसलमान है। इस्लाम की बुनियाद है ला इलाह इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। और यही बुनियाद सनातन वैदिक धर्म की है। संसार के सबसे पुराने ईश ग्रंथ ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्पर हवा महे जनेभ्या अस्माकम अस्तु केवल। ए मनुष्यो, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ एक परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि पूजा करने योग्य एक मुझ परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा देव नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, पूजा करने योग्य मुझ परमेश्वर से के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। इस्लाम गुस्सा करने का मजहब नहीं है, इस्लाम लड़ाई करने का मजहब नहीं है, इस्लाम जबरदस्ती करने का मजहब नहीं है, इस्लाम बदला लेने का मजहब नहीं है, इस्लाम शांति का मजहब है, दया का मजहब है, माफी का मजहब है, इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। इस देश में जिसने अहिंसा को पकड़ा वो जीत गया। कुरान में भी अहिंसा मौजूद है, अहिंसा का मतलब मन वचन कर्म से अहिंसा, नॉन वायलेंस। मन वचन कर्म से अहिंसा का मतलब है कि किसी को किसी भी तरीके का कष्ट पहुंचाने के लिए सोचो भी नहीं, ये मन से है। कोई ऐसी बात मुंह से बोलो नहीं कि उसको कष्ट पहुंचे, ये वचन से है। और कर्म से कोई ऐसा काम न करो जिससे उसको कोई कष्ट पहुंचे, ये मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा है। और ये मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा कुरान मजीद में मौजूद है। कुरान मजीद के सूरह नंबर 28 आयत नंबर 83 में है, अल्लाह का वादा है, अल्लाह वादा कर रहा है कि हम परलोक का घर यानी जन्नत का घर उन लोगों के लिए विशेष कर देंगे, खास तौर से देंगे जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते, यानी जो मन में सोचते तक नहीं है, उनको हम जन्नत का घर विशेष कर देंगे, अल्लाह का वादा है। यह है मन से अहिंसा, वचन से। कुरान मजीद के सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34 में दिया हुआ है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो, ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। यानी अगर कोई व्यक्ति आपसे सख्त तरीके से बात कर रहा है, गाली दे रहा है, तो आपको गाली नहीं देना, कुरान का हुक्म है। आपको सख्त तरीके से बात नहीं करनी, आपको ऐसे तरीके से बात करनी है कि उसका दिल जीत लो। इस्लाम दिल जीतने का मजह है, ये वचन से हिंसा। और कर्म से सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32 में है, जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल किया तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष को बचाया तो मानो उसने सारे इंसानों को जीवन दे दिया, जान डाल दी, सारे इंसानों में जीवन डाल दी। यह कर्म से हिंसा, यही है इस्लाम की मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा। और अगर इस अहिंसा को अपनाया गया होता तो आज इस देश की हालत दूसरी होती, इस अहिंसा की तरफ देखा भी नहीं गया।
और वो हिकमत मौजूद है कुरान मजीद में, वो हिकमत मौजूद है, अल्लाह की हिकमत है। वो अल्लाह की हिकमत कहां है? सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में है कि आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है कि हम परमेश्वर के सिवा, ईश्वर के सिवा किसी की बंदगी न करें। यह अल्लाह की हुकूमत है। इस प्लेटफार्म को अगर पकड़ा गया होता तो हम कामयाब कब का कामयाब होते। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताजा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताजा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।